हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी श्वेता की देसी किचन में। आज मैंने लंच में अपना बनाया था बहुत ही सिंपल, दाल और आलू की भुजिया, रोटी, चावल। चावल मैंने बाद में बनाए थे तो मैं उसी का आपको बता रही हूँ। और बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, सभी लोग बनाते हैं घर पे। मैंने आलू को काट लिया था लंबाई में और उनको मैंने पानी में डाल दिया था और कढ़ाई में सिर्फ जीरा और हींग डाली है और उसी में मैं आलू को, हरी मिर्ची, आलू बस इतना ही डालना है मुझे और इसी के साथ मैं इसको छोंक दूँगी। अब भुजिया बहुत तरीके से बनती है, मैंने बिल्कुल सादा सी बनाई थी, एकदम सिंपल भुजिया, क्योंकि दाल के साथ, अरहर की दाल मैं बना रही हूँ तो उसके साथ सिंपल दाल, आलू की भुजिया ही अच्छी लगती है और इसका टेस्ट ही एक अलग रहता है। आप चाहे उबले आलू की बनाइए या कच्चे आलू की बनाइए, आप किसी चीज़ बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने दो आलू को बारीक काट लिया था, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज में मैंने काट लिया था और उसको मैंने कढ़ाई में जैसे जीरा और हींग गर्म हुआ है, हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने आलू डाल दिए, उसमें नमक और हल्दी डाल दी है। बस मैं इतना डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ और जैसे थोड़े से आलू गल जाएंगे, जैसे हमारे थोड़े से आलू गल जाएंगे तो उसके बाद हम इसे आधा प्याज काट के डाल देंगे। मैं प्याज बाद में इसलिए डाल रही हूँ ना कि टेस्ट इसका अच्छा रहता है, पहले डाल देंगे ना तो आलू पकने की जगह थोड़े से प्याज जलने भी लग जाते हैं, इसलिए मैं ना आधे आलू जब पक जाते हैं मतलब मीडियम हो जाता है, 50% गल जाते हैं तभी मैं प्याज डाल देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जब हम पकाएंगे तो प्याज भी पक जाएगा अच्छे से। अभी देखिए आलू भी मैंने पूरे पक गए, बस हम उसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे, जैसे लाल मिर्ची और धनिया पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर खटास के लिए, और इसमें मैंने कोई भी टमाटर वगैरह नहीं डाले, पूरी आमचूर पाउडर डालेंगे जिससे कि एक अच्छे से टेस्ट आ जाए। और या फिर आलू की भुजिया बन के तैयार हो गई, आप तो चाहे ऐसे भी खा सकते हैं पराठे के साथ या रोटी के साथ, लेकिन दाल के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। बस अब इसमें मैंने हरी धनिया डाल दिए और ये सब्जी रेडी हो गई है। अब इसको इसी कढ़ाई में मैं दाल का तड़का लगाऊंगी तो आलू को मैं खाली कर दूंगी और इसको इसकी जगह इसी में ही थोड़ा सा तेल डाल देंगे कढ़ाई में, आलू जैसे ही साफ कर देंगे। अब इसमें मैं दाल छोंकने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, हमारे यहाँ सरसों का ही तेल यूज होता है इसलिए मैं हर चीज़ सरसों के तेल में यूज करती हूँ। अभी थोड़ी सर्दी है इसलिए मैं अगर तड़का घी का दूंगी तो घी ऊपर ही जम जाएगा, इसलिए मैं अभी सरसों का तेल का तड़का ले रही हूँ। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हम दाल में घी डाल लेते हैं। अब इसमें मैंने जीरा और हींग डाल दिया था तेल में, वो गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने हरी मिर्ची एक ली थी और प्याज लिया था, उसको मैंने इसमें डाल दिया। क्योंकि हम दाल फ्राई कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे प्याज लेनी थी, कभी कभार मैं जीरा और हींग का से तड़का लगाती हूँ दाल में, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। और इसी में मैंने दो बारीक टमाटर काट के डाल दिए थे, अब हमें जो टमाटर है उनको गलाने तक पकाना पड़ेगा तो इसी में हम अभी मसाले भी डाल देंगे, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, आपने हरी मिर्ची डाल रखी है तो आप स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची डालिएगा जिससे भी आप लोग खाते हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक टमाटर गलने के लिए, क्योंकि दाल में हम मिर्ची डालते हैं तो फिर हम अपने स्वाद के अनुसार उसमें नमक डालेंगे और उसके बाद में उसको ढकते रखेंगे जब तक थोड़े टमाटर गल जाएंगे। उसके बाद हम उसको थोड़ी देर, अभी इसको हमें ढकना पड़ेगा क्योंकि टमाटर को हमें गलाना है, तो इसलिए हमें इसको ढक के छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए 2 से 3 मिनट में ही टमाटर हमारे गल के तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से मैश कर लीजिए इनको, कोई अगर खड़ा टमाटर है तो मैश कर लीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि दाल में जब आप खाओगे तो मुँह में नहीं आएंगे टमाटर, इसलिए मैं इसको चम्मच से ही मसलती जा रही हूँ। और जो दाल हमने बना के रखी है उसमें मैंने सादा हल्दी और नमक डाल के इसको छौंक उबाल दिया था और ये दाल हमारी बनके रेडी हो गई है। बस आप इसको थोड़ी देर और गर्म कीजिएगा और ये रेडी हो जाएगी। देखिए ऑलमोस्ट हमारी दाल रेडी है, इसमें हरा धनिया डालिएगा और ये आपका रेडी है। ये चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ ये मोस्टली दाल और रोटी के साथ खाई जाती है। हमारे यहाँ मूंग और उर्द की दाल से ज़्यादा हम लोग अरहर की दाल खाना पसंद करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ 1 से 2 दिन के बीच में अरहर की दाल बनती रहती है। चलिए अब इसकी थाली में लगाती हूँ। मैंने थाली में एक हरी मिर्ची रखी है अचार वाली, जो मैंने घर पे ही बनाई है, मिट्टी में रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने दाल रख दी है, आलू की भुजिया रख दी है, रोटी रख दी है और गुड़ रख दिया है। ये हमारा आज का लंच है
और आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आगे एक और न्यू वीडियो के साथ मिल रही हूँ, आज के लिए कर रही हूँ बाय बाय, इंजॉय कीजिएगा।